क्या बताएं, बहुत परेशानी में है। 12 साल के बाद तो हमारी पत्नी को लड़का हुआ और लड़का पैदा होते ही संग हमारी पत्नी स्वर्ग सुधार गई। अब लड़का हमारा जवान हो गया है, बार बार शादी के लिए कहता है, कोई रिश्ते ही नहीं आता है, कोई बातें नहीं होती और कोई बातें नहीं हो पाती, क्या से क्या कुछ समझ में नहीं आता। पप्पा बेटा ब्याह ब्याह? हाँ किसका ब्याह? सब हमारे साथ के लोगों ने शादी कर ली है, अबे हमारे नंबर नहीं आया। पप्पा हाँ बच्चा ब्याह कराओ नहीं तो हमारा काम चलाओ। बेटा मैं तो खुद ही सोच रहा था हाँ कि जो तू कह रहा है वो मैं कहूँ। पापा ब्याह? हाँ अरे तो ब्याह कोई ऐसा कि दाल भात फौरन खा लोगे? तुमने कहा कर ली थी? हमने कर ली, धोखे से हो गया। तो हम धोखे से किधर कर देंगे? बैठ। बेटा ब्याह के लिए कम से कम एक लड़की की जरूरत होती है। पापा जब हम छोटे थे तो तुम गोदी में खिलाते थे। बेटा जब तू छोटा था हाँ? जब हम गोदी में खिलाते थे। हाँ, तो अभी तो इतना बड़ा है ना, अब बढ़ गया है तो अब पीछे खिलाओ। हाँ पागल हुआ जा रहा है, शादी की वजह से पागल हो जाएगा ये है? और आदत वही बचपने की है। पप्पा पीछे से खिलाओ आगे से खिलाओ। पप्पा हम करासे हैं है? करासे हैं। करासे? हाँ अभी करासे क्या है? ब्याह। अच्छा ब्याह करासे हो। हाँ यार ये तो हम सब पप्पा करवाओ ना। क्या करवाएं? ब्याह। हाँ ब्याह करवाएं। आप ही करवा लो। अरे कोई लड़की तो मिले ना? लड़की मिले तो पप्पा वो तो मिलेगा। क्या हमारे खानदान का नाम डुबा देगा क्या? तो क्या खानदान लड़ुआ बिक जाएगा क्या? नहीं नहीं बेटा, हम कोशिश कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए भी कोशिश कर रहे हैं और हो सका तो हम भी अपने लिए। पप्पा जहाँ तुमने ताला खोला है वहाँ तो तमाम है। हाँ बेटा एक है जो हमने तड़के रखी है। अच्छा। हाँ जब भी हम जाते हैं चेक करने के लिए कारखाने में हाँ। नीचे तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारा भी इंतजाम है। पप्पा हाँ। और जो चिड़ी मार मोहल्ला में वो? अरे वो तो किसी और के पास चली गई, उसकी छोड़ो। अब तो राहत हो गई है। बेटा अब फिलहाल तुम्हारी शादी की बात हो रही है, उसी की चर्चा करनी है हमें। हमने सुना है कि कल्याणपुर में एक लड़की है। हाँ पप्पा कल्याण नहीं परेशान हो। नहीं कल्याण जाएगी तो वो तुम देखोगे ना, हमें क्या करना है बेटा, हम तो अब बुढ़ापा हमारा आ गया, तो वहाँ एक लड़की है, हम सोच रहे हैं कि अब सोच रहे ब्याह कराओ। अरे बात सुन, ब्याह कराओ। अरे हम ब्याह कराओ। अरे भले अबे पागल हो गया क्या? अबे ब्याह ऐसा जो फॉर्म ब्याह हो जाएगा, हम जाएंगे, उसकी उसके जो बाप हैं वो खत्म हो गए, उसकी माँ जिंदा है, तो अम्मा से कराओ। कब? अबे अम्मा से तो हम खुद करने के लिए हैं। पप्पा बुढ़ापा होगा तुम्हारा और तुम्हारी दुकान में कुछ बचा भी है? अबे जब से हमने मिलिट्री छोड़ी है, जब से रिटायर हुए हैं हाँ। जब से हमने औरत देखी कहाँ है, तो मैंने नसीब में भी नहीं है। हमें औरत नहीं मिलेगी तो तुम्हें भी नहीं मिलेगी, फिर तो हम तो तुमसे काम निकाल लेंगे। तब एक लड़का हुआ साला 12 साल के बाद में, वो भी आधा पागल हुआ है बिल्कुल। ओहो अरे बेटा क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है? अब कराओ जल्दी से। हाँ करा रहे हैं। तो बेटा मैं जा रहा हूँ। जाओ पप्पा उतारे हैं क्या पहन? क्यों करेंगे? क्या करेगा? आओ पैंट उतार के गाँव करेगा लो। अबे पैंट जब उतारना, जब शादी हो जाए। अच्छा? जब दुल्हन घर में आ जाए, जब तुम्हारी सुहागरात होगी। तो कब होगी? जब शादी हो जाएगी। तो शादी कब होगी? जब हम लड़की वाले से बात करेंगे। तो कब जाओगे तुम? जा रहे तो जाओ ना। पागल है बिल्कुल यार। तुम घर में रहना, नहा धो के तैयार रहना। धो ले? नहाना और धोना। अच्छा अच्छा समझे, हम जा रहे हैं कुछ बात करने के लिए। साबुन ला दो। साबुन नहीं है ना? देखना वो लाओ जिससे ये खोपड़ी साफ हो जाए।
चमकने लगे। वो कौन साबुन है? मुझे क्या मालूम, मैंने कभी वो साबुन इस्तेमाल ही नहीं किया। भैया वो कौन साबुन है जो आप लगाए हैं ऊपर? कौन बताएगा? वो भाई साहब देखो। कौन सा भाई साहब? वो सामने खड़े हैं। हमारे घर में कौन से भाई साहब आ गए? दरवाजे के पास खड़े हैं। अच्छा अच्छा, बाद में बात कर लेंगे उनसे, मुझे जाने दो हैं। और सुनो, मैं शुभ काम से जा रहा हूँ, कोई अनर्थ मत करना। बता दिया है? छींकना इतना नहीं। हाँ।